गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि छठ कैसे मनाया जाता है, मैं डिटेल में दिखाऊंगा। तो कल छठ का पहला दिन था और आज है दूसरा दिन। तो दूसरा दिन यहाँ पे लोग सुबह से कैसे तैयारी करते हैं तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ, तो आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चलो सीधे सीधे चलते हैं कि छठ की तैयारी कैसे करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया मौसम है अभी का, और हल्की फुल्की ठंड है पर फिर भी लोग नहा रहे हैं। और आप देख सकते हो सब अपने अपने काम में व्यस्त है। और ये जो सूर्य का त्योहार है छठ पूजा, सूर्य के लोग इसमें पूजा करते हैं और काफी साफ सफाई पे ध्यान देते हैं यहाँ पे लोग। अभी जो हल्की फुल्की भीड़ दिख रही है आपको, शाम में इसके अपोजिट होगा, सीधे बहुत भीड़ होगी। और आप देख सकते हो कि लोग सफाई में लगे हुए हैं एकदम बढ़िया से। और ये आप जो देख रहे हो ये अब कल पूजा हुई है, और आज भी जब लोग शाम में आएंगे तो पूजा करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि दूसरा दिन है। और ये देखो कि लोगों ने साफ सफाई करके यहाँ पे कितने अच्छे से गोबर से लिप के बढ़िया से एकदम बनाया है, और बनाने के बाद लोग गुलाल और अबीर से कलर करते हैं बढ़िया दिखने के लिए। और इसके बाद लोग अपने अपने घर जाएंगे। सो गाइज, आपने देखा कि कैसे लोग साफ सफाई में लगे हुए हैं, सब लोग अपने अपने काम में। और यहाँ पे बहुत लोगों ने साफ सफाई कर भी लिया है, मैंने जैसे ये दिखाया था आपको, काफी बढ़िया से इन लोगों ने बनाया अपना घाट। तो अभी इसके बाद लोग यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं, और घर जाने के बाद लोग फ्रूट खरीदने भी जाते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद क्या क्या होगा, आप लोग ये वीडियो में बने रहे, एक एक चीज मैं आपको छठ पूजा के बारे में आपको बताने वाला हूँ आज। तो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग मार्केट और देखते हैं कि आज का नज़ारा कैसा है मार्केट में। सो गाइस, अभी हम लोग मार्केट में आ गए, देखते हैं कि मार्केट का नज़ारा कैसा है आज। और बहुत भीड़ है यहाँ पे फल खरीदने के लिए, क्योंकि अभी प्रसाद के रूप में फल भी चढ़ाया जाता है, तो लोग फल खरीदने भी आते हैं। मैं दिखाता हूँ यहाँ का कि कैसी मार्केट लगी हुई है और कैसे लोग फल खरीद रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो कि फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, लोग यहाँ से फूल खरीद के लेके जाएंगे अभी चढ़ाने के लिए। तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा अभी इस मार्केट में, अलग अलग वैरायटी का। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोड़ी सिंदूर बिक रहा है, पान के पत्ते भी बिक रहे चढ़ाने के लिए। और ये रहे मिट्टी के बर्तन, और जो आप दीप इसमें है, बहुत सारे लोग दीप जलाने के लिए लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या सारे लोग ले जाते हैं। और ये देखो वैरायटी, फ्रूट्स की वैरायटी, भाई साहब सब कुछ है यहाँ पे आज, जो मार्केट कभी नहीं लगता है यहाँ पे, स्पेशली छठ के लिए ये सब मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे। लाइन से जो आप ये देख रहे हो ठेला, बेसिकली ये छठ के लिए लगा हुआ है, तो लोग अपने अपने हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं। और आप ये देखो कितने सारे ईक है, तो जो कितने लोग आ जाएंगे ये ईक खरीदने के लिए, काफ़ी दूर से लोग यहाँ पे आते हैं ख़रीदने के लिए, जो आसपास का गांव है। और ये जो बेचने वाले भी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बेचने के लिए, क्योंकि आज जो छठ का त्यौहार है इस वजह से बहुत भीड़ होती है, काफ़ी मात्रा में लोग खरीदने आते हैं यहाँ पे फ्रूट्स, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं बेचने के लिए भी। और आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पे फ्रूट्स खरीदने के लिए। सो गाइज, आपको पता चल रहा होगा कि लोग यहाँ पे कितने धूमधाम से छठ का त्योहार मनाते हैं ये। सो गाइज, अब चलते हैं घर की ओर, और वहां पे मैं दिखाता हूँ कि लोग कैसे तैयारी करते हैं। सो गाइज, मैं आपको अब दिखाता हूँ कि लोग घर पे कैसे तैयारी करते हैं घाट जाने से पहले, तो मैं एक चीज आपको भी दिखाता हूँ। और ये देखो चल रही है तैयारी खस्ता बनाने के लिए, और ये इस प्रसाद के रूप में लोग चढ़ाते हैं, तो देख सकते हो आप जिस तरीके का बन रहा है, काफी बढ़िया लगता है ये खाने में। तो अगर आपने ये कभी नहीं खाया है तो आप घर पे बना के भी खा सकते हो।
और आप देख सकते हो कि खस्ता बन के रेडी है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि कितने सारे फ्रूट्स है और तैयारियां चल रही हैं। और ये देखो बाल्टी में एक है, और ये देखो जो व्हाइट कलर का है, ये चावल से बनाया जाता है, स्पेशली छठ में ही बनता है ये। और ये आटे का बनता है, ये खस्ता जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये छठ में प्रसाद के रूप में स्पेशली छठ में ही बनता है ये सब। तो ये सब जितने भी सारे फ्रूट्स है वहाँ पे, जब हम लोग जाएंगे घाट पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये सब चढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि तैयारी चल रही है, फिर अभी आगे दिखाता हूँ कि क्या क्या होने वाला है अभी। और आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से रखा जाता है इसको, यहाँ पे लोग दौरी बोलते हैं जिसे, यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो इसको पैक किया जाएगा और इसको सर के ऊपर रख के लेके लोग घाट पे लेके जाते हैं। सो गाइस, वो शाम का वक्त आ गया है जो मैं आपको दिखाऊं कि लोग कैसे अपने अपने घरों से निकल के सर पे दौरी रख के जो उसमें फ्रूट्स और बहुत कुछ जो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है वो लेके लोग आते हैं। पर काफ़ी थोड़ा भारी होता है, फिर भी लोग बहुत दूर दूर से लेके सर पे लेके आते हैं। जो मन में आस्था है, प्रेम है सूर्य की पूजा करने के लिए, वो आते हैं यहाँ पे। तो मैं चलिए दिखाता हूँ कि कैसे लोग लेके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कैसे लोग सर पे दौरी रख के आ रहे हैं, और काफ़ी दूर से लोग आते हैं, बहुत भारी होता है, फिर भी लोग लेके आते हैं जो मन में आस्था और प्रेम है छठी मैया के प्रति। और सिक्योरिटी पर्पस से यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी रहते हैं। तो लोग धीरे धीरे अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है लोगों का आना। आगे अभी देखते हैं कि कितनी भीड़ होती है यहाँ पे। और जो आप ये सजावट देख रहे हो, काफी दिनों पहले से स्टार्ट हो जाता है ये सजावट यहाँ पे। तो अभी चलते हैं गंगा घाट पे और वहां का माहौल देखते हैं कि कैसा है। सो गाइस, अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे हम लोग गंगा नदी के किनारे आ चुके हैं, और यहाँ का मैं आपको माहौल दिखा रहा हूँ कितना बढ़िया और शानदार है। तो मैं आपको यहाँ का माहौल दिखा रहा हूँ अभी। और जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है, आप देख सकते हो कि काफी मात्रा में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सिर्फ बक्सर की भीड़ नहीं है दोस्तों, ये बक्सर के बाहर से भी लोग यहाँ पे गंगा नदी पे छठ करने आते हैं। और बाहर तो भीड़ देख ही रहे हो, ये शादी का मंडप है, यहाँ पे भी बहुत लोग छठ मना रहे हैं क्योंकि बाहर में स्पेस ही नहीं है। तो कुछ इस तरीके का नजारा है आज छठ का त्योहार का। तो लोग धूमधाम से लोग छठ मना रहे हैं आज। बाकी आगे देखते हैं कि आज का नजारा और क्या होने वाला है। आप इस वीडियो में बने रहे, एकदम मजा आने वाला है आज। तो गाइस, यहाँ पे इतनी भीड़ है कि आप मतलब यहाँ पे चलना भी मुश्किल है। मैं आपको और धीरे धीरे यहाँ पे चीजें मैं रिवील करते जाऊंगा कि क्या क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो फिर अभी मिलते हैं आगे। आप देख सकते हो कि काफी लोग पानी में खड़े हैं। पानी में इसलिए खड़े हैं क्योंकि पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। और बहुत लोग पूजा करके यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि जो लोग दूर से आए उनको नेक्स्ट मॉर्निंग में आना है, तो उनको तैयारी करनी है फिर से। और जो सामने देख रहे हो वो यूपी है, और जो लाइट दिख रही है वहाँ पे भी छठ हो रहा है यूपी में भी। और काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हो। सो गाइस, मैंने आपको दिखाया कि लोग कैसे पानी में खड़े होके अर्घ दे रहे सूर्य की आराधना कर रहे हैं, और ये सूर्य का ही पूजा है छठ, जो है महापर्व जो पूरे दुनिया में आज के डेट में मनाया जा रहा है। और मैं आज दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं भी है जो मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी बढ़िया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर कल नेक्स्ट डे भी लोग यहाँ पे आएंगे सूर्य की आराधना करने के लिए। तो मैं आपको कल भी मिलाऊंगा नेक्स्ट डे में। तो फिर अभी बने रहे, देखते हैं अभी क्या क्या होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे सूर्य की मूर्ति बनाई गई है, काफी सुंदर और बढ़िया बनाया गया है। और ये जो सजावट है काफी बढ़िया की है इन लोगों ने। और ये हमारे घोड़े बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोग अपने अपने घर की ओर निकल रहे हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर वापस आएंगे। तो अभी मिलते हैं हम लोग घर पे।
सो गाइज, अभी हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और आपने देखा आज की काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। लोग कैसे छठ धूमधाम से मना रहे थे और आज सूर्य की पूजा लोगों ने किया और कल भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4, सोचो 4 बजे अभी मैं रेडी हूँ, यानी कि मैं 3 बजे जग चुका था। और आज दिखाता हूँ मैं आज की कैसा माहौल है आज का। आज तो लग रही है थोड़ी बहुत यहाँ पे ठंड, तो चलते हैं अभी घाट पे कि कैसा है आज का माहौल और मैं बाकी चीज़ें दिखाऊँगा। एक और बात कि आज सुबह सुबह बहुत, मतलब कल के हिसाब से आज कम लोग आते हैं क्योंकि बहुत लोग सोने में व्यस्त होते हैं इस टाइम पे, मतलब जो पूजा नहीं करते बेसिकली, जो व्रत में नहीं होते हैं, तो वो सोचते हैं क्या सुबह सुबह जाना है ठंड में और क्या जगना है, तो लोग सुबह सुबह आते भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं आज घाट का क्या माहौल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी हम लोग घाट के पास पहुंच चुके हैं और कल का माहौल अलग था और आज का माहौल एकदम अलग है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसा है आज का माहौल। और कल हम लोगों ने पूजा की थी सूर्य की जल से और आज हम लोग करेंगे गाय के दूध से, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं कि आज का माहौल कैसा है, तो देखते हैं। आप देख सकते हो कि सुबह में भी लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है और मगर कल से कम भीड़ है, थोड़ी सी कम भीड़ होगी। और आप देखो कि काफ़ी लोग अभी नींद में लग रहे हैं, तो कोई नहीं, अभी आगे चलते हैं और देखते हैं आज का नज़ारा कैसा है। आप देख सकते हो कि सूर्य भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं और ये घोड़े भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आज जो छठ का महात्यौहार है आज संपन्न होने वाला है, इसलिए पूजा की जा रही है यहाँ पे। और अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे का क्या नज़ारा है। सो गाइस, अभी हम लोग स्काई लाइन टेंट जलाने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये है और इसको जलाते हैं, चलिए देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा स्काई लालटेन ऊपर उड़ चुका है, स्काई में जा चुका है। सो गाइस, आप देख सकते हो कुछ लोग नाव की भी सवारी करके मजे ले रहे हैं। और ये हमारा स्काई लालटेन वापस आते हुए ये देख सकते हो आप लोग, ये गिर गया, ये देखो गिरा उसके सर पे। सब लोग अभी सूर्य के इंतजार में है कि कब सूर्य निकलेंगे और हम लोग पूजा करेंगे। काफी भीड़ है अभी भी। तो गाइस, आप देख सकते हैं लोग आराम देखने के लिए लोग आने लगे गंगा नदी में। और आप देख सकते हो इधर लोग बहुत लोग आराम दे रहे हैं पानी में खड़े होके। जो सुबह का माहौल है कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। Yeah.
प्रसाद ले लिया और प्रसाद लेना बहुत शुभ माना जाता है यहाँ पे, तो मैंने अभी भी प्रसाद दिया और अभी सब लोगों ने अर्घ दे दिया और सब लोग घर जाने की तैयारी में है। तो फिर अभी आगे मिलते हैं कि लोग कैसे जा रहे हैं अभी और क्या माहौल है। और आप लोग देख सकते हो कि सारे लोग अपने अपने घर की ओर निकल पड़े हैं क्योंकि ये जो छठ का महात्यौहार है अब संपन्न होता है। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि लोग यहाँ पे चाय भी वितरण कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे चाय की तैयारी चल रही है चाय पिलाने के लिए और काफ़ी मात्रा में लोग यहाँ पे चाय पिला रहे हैं सबको। मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कि बस गाड़ी सबको रुकवा के लोग यहाँ पे चाय दे रहे हैं सबको, चाय का वितरण कर रहे हैं क्योंकि लोग व्रत में होते तो चाय उसके बाद पीते हैं लोग, इसलिए यहाँ पर चाय बनाई जाती है। आई होप आपको ये माहौल देख के काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। गाइस आप देख सकते हो कि सब लोग अपने अपने घर की तरफ निकल चुके हैं और लोग 3 दिन से व्रत में थे इस छठ के महात्यौहार में, तो सब लोग अभी घर जाके लोग पारण करेंगे। सब लोग पूड़ी कचौड़ी आलू पकौड़े सब कुछ खाते, थोड़ा चटपटा, 3 दिन से लोग भूखे रहते तो चटपटा खाना चाहते हैं और लोग अभी भी चाय भी पी रहे हैं। और आपको छठ महात्यौहार कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।